माशाल्लाह मटन तहरी बहुत आसानी के साथ झटपट ज़बरदस्त बनी। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और जल्दी में बनाना है और अच्छा बनाना है तो वैसे वक्त आपको ये बहुत काम आएंगी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मटन तहरी। मटन तहरी के लिए मैं ली हूँ आधा किलो पौन किलो मटन है, थोड़ा सा बोन्स के साथ। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून है ये अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और 1/4 किलो में चावल ली, अब इसको साइड में रख देंगे। 1/4 किलो बासमती चावल, सॉरी सोना मसूरी चावल जो हम डेली यूज़ करते वो सोना मसूरी चावल 1/4 किलो इसको वॉश करके रख दी। इसके लिए 1 कप ऑयल ली, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। और 3 बड़े साइज़ की प्याज, अब इसको डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई, अब इसमें मटन जो मैरिनेट करके रखे थे वो डाल देंगे। एक 10 मिनट इसको तेज फ्लेम पे पकाएंगे, बीच बीच में भूनेंगे। ये 1/2 किलो के करीब है टमाटर, 1/4 किलो से बढ़ के है। अब इसको धोकर कट कर लेंगे। एक 7-8 मिनट में इसको अच्छे से भून ली। इसका कच्चापन जो नमक मिर्ची अदरक लहसुन डाले थे उसका कच्चापन जाना। अब टमाटे कट करके इसमें डाल देंगे। टमाटरों को भी अच्छे से भूनेंगे। एक 10 मिनट तेज फ्लेम पे ढाप देंगे, बीच बीच में ढक्कन हटा के इसको मिलाते जाएंगे, भूनते जाएंगे। दही डालने से पहले इसको अच्छा टमाटरों को भूनना। अगर टमाटे साबित रख के आप दही डाले तो टमाटे नहीं भुने जाते, इसलिए 10 मिनट इसको ढाप कर पकाएंगे, बीच बीच में चटक। 200 ग्राम गाढ़ा दही, अब इसको हम फेंट के रख लेंगे। कभी भी जब खाने में सालन में कहीं भी जब यूज़ करते दही तो उसको फेंट के डालना अच्छा रहता, अक्सर नहीं तो फूट जाता। 200 ग्राम दही ली मैं, तहारी हमारी अच्छी जूसी बनाना, बिल्कुल रुखी और सूखी नहीं रहना। कोथमीर और पुदीना, हरी मिर्ची, नींबू, नींबू का रस निकालेंगे। कोथमीर पुदीना हरी मिर्ची को तोड़ के धो के रख लेंगे। और खड़े मसालों में 1 टीस्पून शाहजीरा है, 4 इलायची, 4 लौंग, थोड़े से दालचीनी। टमाटर को भून लेंगे, अच्छे से गल गए टमाटे, टमाटे अच्छे घुल गए, अब इसको भून लेंगे। टमाटे अच्छे से भुने गए, अब जो साबित गरम मसाला था वो डाल देंगे। अब दही डालेंगे, अब इसको भी 1-10 मिनट अच्छे से भुनेंगे। अब ये दही का कच्चापन जाना, दही में दही का पानी रिलीज होता, अब इसको ढाप देंगे 10-15 मिनट, बीच बीच में इसको चेक करेंगे। चलिए 15 मिनट में इसको पकाई और एक 5-7 मिनट धीमे पे भी ढाप के रखी। और माशाल्लाह इसका गोश्त भी अच्छे से गल गया और पानी जो था टमाटरों का दही का सारा पानी जो था सूख गया। अब इसमें चावल का डबल हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा मैं रोक ली। अगर चावल नया है ज़्यादातर भीगे हुआ है तो आप थोड़ा कम कर लेना। अब इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब जो लेमन मैं बताई थी आपको वो लेमन का जूस, कोथमीर पुदीना, हरी मिर्चियाँ। अब इसको बॉईल होने देंगे, कवर कर देंगे। पानी में उबाल आ गया, अब चावल डाल देंगे। अब इसको हल्के हाथों से मिलाना, एक दो बार हल्के हाथों से। चावल भीगे हुआ रहता ना टूट जाता। बस मैं सोना मसूरी जो घर में हम डेली यूज़ करते हैं वो चावल के बना रही हूँ। चाहे तो बासमती राइस की बना सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे, अच्छा से ये पक गया। अब इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी बची हुई है और इसको हम क्या करेंगे, एक बार अच्छे से नीचे से मिला लेंगे और फ्लेम को धीमा कर देंगे। धीमा करके कवर कर देंगे इसको 10 मिनट के लिए, धीमे फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट में धीमे फ्लेम पे रखी थी, 10 मिनट हो गए। माशाल्लाह हमारी तहरी बहुत अच्छी दम हुई। अब फ्लेम को बंद कर दी, डिश आउट करेंगे।
तारे हमारे दम होंगे जब तक हम दही की चटनी बना लेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 200 ग्राम गाढ़ा दही, उसको फेंट ली। एक हाफ टीस्पून में डालेंगे नमक और कटी हुई चॉप की हुई प्याज, एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, कोथमीर और पुदीना। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए हमारी दही की चटनी तैयार है, इसको साइड में रख देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी, जिस तरह मैं मेजरमेंट बताई आप उस तरह से बनाइए। बिल्कुल जूसी रहना, ये बिल्कुल रुखी सूखी नहीं रहना, जूसी रहना। इसके साथ आप कद्दू का दालचा, बैंगन का दालचा भी बना सकते हैं। ये गरम गरम है, थोड़ा सा हवा खाने के बाद चावल खुल जाता। माशाल्लाह हमारी मटन तहारी ज़बरदस्त बनी, ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी है। दही की चटनी और सलाद। चलिए मेरी मटन तहारी की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।